पापनाशनम दर्शनम स्वर्गशोपानम दर्शनम मोक्षसाधनम। परम कृपालु परमात्मा की असीम कृपा हमारे सभी पर निरंतर बरस रही है। एक विषय बीच में अपना रह गया था, प के ऊपर के पांच शब्द अपन ने चिंतन में लिए थे, याद आया? परिचय, प्रेम, प्रयास, पात्रता और पूर्णता। क्षेत्र कोई भी होगा, अंग्रेजी के अंदर बोला है कि वन फॉर ईच वन, वन फॉर ईच वन, लो फॉर ऑल। एक बात जो एक के लिए की होती है वो सबके लिए होती है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। तो प्रकृति के कानून होते हैं, गवर्नमेंट के कानून होते हैं, परिवार के कानून होते हैं, धर्म के कानून होते हैं, सब जगह शासन लगेगा। तो वन फॉर ईच वन मतलब एक वो सबको लागू पड़े। ऐसी बातें प्राकृतिक रूप से देखें तो जाति में देखी जाती है, एक कुत्ता जिस प्रकार से करता होगा वैसे हजार कुत्ते करते होंगे, एक मोरिया जिस प्रकार से बोलता होगा वैसे सारे मोरिया बोलते होंगे, वो उनकी प्राकृतिक व्यवस्था है। फिर मनुष्य की तो कुछ कमियां और कुछ विशेषताएं हमारे सभी में रहेगी, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ के नाम पे बोली गई बात, सनातन सत्य के नाम पे बोली गई बात, ऐसे संस्कार प्राय जातिगत संस्कार सब में रहेंगे। फिर रही बात लौकिक शब्द और अलौकिक शब्द, भगवान महावीर ने जैन और अजैन शब्द नहीं बोला। ये जैन और अजैन शब्द अंग्रेजों के शासन के बाद जन्म लेके आया। कभी बोलना पड़ता तो भी कैसे, परिचय देने के लिए बोलना पड़ता तो कि ये कौन है, तो कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण, तो ब्राह्मण नहीं है, गौतम स्वामी के परिवार का है, ये ठाकुर है, ये राजपूत है, नहीं भाई ये भगवान महावीर स्वामी के परिवार का है। देखो आपकी परिचय देने की पद्धति से वास्तविकता भी ऐसा नहीं कि राजपूत कोई है उसको खुश करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को खुश करने के बोले, क्यों कि परमात्मा महावीर देव ने आदिनाथ से लेकर के महावीर भगवान सारे के सारे राजपूत। परमात्मा के 11 ही गणधर भगवान ब्राह्मण परिवार से, 44 ब्राह्मण परमात्मा के शिष्य बने सब किससे। तो जैन और अजैन शब्द नहीं रहा, लौकिक शब्द और अलौकिक शब्द। तो कैसे बताया कि सारे पंछी अर्थात जलचर जीवों की बात कही, कि पानी में बहने वाले, पानी में रहने वाले, पानी में तैरने वाले सारे पक्षी पानी के प्रवाह की तरह अकॉर्डिंग टू फ्लो फिश चलते हैं, और एक राजहंस होता है, पानी यूं आ रहा है तो राजहंस यूं चलेगा। उल्टी गति के सीधी गति, प्रवाह से उल्टी गति, तो दुनिया की रीति है, सब देखा देखी चलते हैं, एक दूसरे की नकल करते हैं। फिर कभी किसी ने कह दिया कि जिनको नहीं होती अक्ल वो करता दूसरों की नकल, अब ऐसे कहने से तो कि लगभग लगभग लोग फॉलोइंग करते हैं, 80% लोग फॉलोइंग करते हैं। सामाजिक लेवल पर किसी ने चिंतन दिया कि समाज अच्छी की खराब, लोग सब गांव पूरा अच्छा की खराब, तो क्या अच्छा भी खराब भी, अब देवी चंद जी कैसे अच्छा ने कैसे खराब। कोई गांव में 100 लोग हैं तो वो गांव अच्छा कैसे खराब कैसे, वहां खराब क्या है वही पता नहीं, बहुत बड़े 100 में से आप जो कह रहे हो सही, आपके तरीके से ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन निरीक्षण रिसर्च ये बताता है 100 में से 80 लोग अपनी सोच वाले नहीं होते,
20 जो है वो अपनी सोच वाले होते हैं, 20 में से 10 ये सामान्य बात है, 20 में से 10 अच्छे होते हैं, 20 में से 10 की थोड़ी नीति थोड़ी अलग विचित्र होती है। मैं बालवाड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। अब जिनकी पुण्याई ज़्यादा होती है, वापिस एक देखो, आप अच्छे हो कि बुरे हो वापिस अलग बात है, जिनकी पुण्याई चलती है वो उसकी चलती है। अब यदि सत्ता के स्थान पर वो 10 है खराब लेकिन पापानुबंधी पुण्य वाले हैं तो उनके पीछे दुनिया चलती है, तो 80 कैसे बन जाएंगे, उन 10 लीडर के पीछे 80 होंगे। जिस समय पुण्यानुबंधी पुण्य वाले 10 लीडरशिप पे होंगे तो बाकी के 80 वो पुण्यानुबंधी पुण्य वाले बन जाएंगे। इस भारत पर समय समय पर, हो सकता है बालवाड़ा का भी इतिहास हो सकता है, समय समय पर शासक बदले, नेता बदले, राजा बदले, संघ को चलाने वाले बदले, तो जिस समय पर जो पुण्यशाली होगा उसकी चलेगी। अब पुण्यानुबंधी पुण्य पापानुबंधी पुण्य, इस दुनिया के बालाह पश्यति लिंगम, हमारे प्राचीन समय में भी साइकोलॉजी थी, जो बाढ़ जीव होंगे, बाढ़ जीव अर्थात कौन से, जो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे मात्र और मात्र अनुसरण करेंगे, ऐसे बाल जीव आपके बाह्य व्यवहार को देखेंगे, आपके भीतर क्या भावना है उसको वो पहचान सकेंगे नहीं। तो फिर कभी कभी असमझ होता है, थोड़ा सा विषय ले लेता हूँ, अभी विषय अपना अलग चलेगा, विषय ऐसा है कि कभी कभी संघ के अग्रणी इस बात को लेके चिंता में रहते हैं और वह अपनी चिंता अक्सर चार जने के आगे व्यक्त किया करते हैं, कोई साथ नहीं देता है, कोई साथ में रहता नहीं है, मीटिंग करते तो कोई आता नहीं है, संघ के कार्य में कोई सहयोग करता नहीं है। आपके गांव की बात नहीं करता हूँ, जनरल सब जगह ऐसी बात चलती है। तो उस समय मुझे एक गांव में, एक नगर में, एक संघ में ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मेरी सोच को थोड़ी बदली, मैं भी आपके साथ चलता। तो मतलब से हम तो ये बात नहीं करते, प्रवचन में आपकी बात सुनी, होगा सब जगह होगा, लेकिन हम जो चार पांच जने हैं हमने ऐसा सोचा है कि जो आते हैं उनका उपकार, जो नहीं आते हैं उनका भी उपकार। कैसे पारस जी, दोनों का उपकार कैसे? अब देवी चंद जी जवाब नहीं, देवी चंद जी कहेंगे देवी चंद जी क्यों, आप निवृत्त हो गए इसलिए कहें मारे क्यों वरण करनी हैंग, अच्छा कोई खराब नहीं है, देवी चंद जी कह रहे हैं। अब मैं पारस जी को पूछूं कि कैसे सबका उपकार कैसे, क्या बोला, आवे उसका भला नहीं आवे उसका, तो मैंने बोला उसका आपने ट्रांसलेट किया, थोड़ा सा शब्दों का बदल किया, उसमें कोई आपने नई बात तो नहीं बताई। उस संघ के अग्रणियों ने मुझे कहा, नहीं अच्छी बात है शुभ भाव करनी चाहिए, उस संघ के अग्रणियों ने एक नई सोच दी, वो सोच ये थी कि सबके पास कार्य करने की शक्ति नहीं होती, सभी के पास कार्य करने की शक्ति नहीं होने से नहीं आने का एक कारण कि आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कभी कभी एक घरेलू सोच को हम लोग अपनाते, उन्होंने मुझे कहा कि सब्जी काटनी हो, एक परिवार में चार लड़के हैं कि आठ लड़के हैं, सब्जी काटने तक में सब साथ में रहे तो ठीक बात है, जब वगार देना है, जब मसाले डालने हैं, जब नमक गाटना है, तब तो एक ही आगे आवे तो अच्छा। इसलिए जो नहीं आते हैं उन्होंने हमारे पर भरोसा रखा है, देखो सोच का तरीका, उन्होंने हमारे पर पूर्ण विश्वास रखा है कि ठीक करो जो को बढ़िया, नहीं आ रहे हैं। यदि अग्रणी ये सोच रहे हैं कि वो नहीं आ रहे हैं तो उनका भी उपकार, कि वो किसी चीज़ में टांग तो नहीं अड़ाते हैं, वो किसी चीज़ में ऑपोजिशन तो नहीं करते हैं। तो अनेक प्रकार के तरीकों से शासन मिला है, इस शासन के अंदर लौकिकता ऐसी चलती है और अलौकिकता ऐसी चलती है। अलौकिक होने का अर्थ है सकारात्मक सोच,
अलौकिक होने का अर्थ है कि सब जैसे सोच रहे उससे कुछ आप अलग हट के सोच। अलौकिक होने का अर्थ है कि जो है उसे स्वीकार करना, नहीं स्वीकार करेंगे तो भी काम करना है, स्वीकार करेंगे तो भी काम करना है। तो फिर खुश रह करके काम करें, स्वीकार करके काम करें, सकारात्मक सोच के काम करें, उससे क्या होगा, आपका डिसीजन पावर, आपका विल पावर, आपका ब्रेन पावर अप टू लाइफ बरकरार रहेगा। तीन बात, ब्रेन पावर, विल पावर और उसके आधार पर है डिसीजन पावर। यदि पहले दो में आप कमजोर बने तो तीसरा तो कमजोर होना ही है। परिचय है जिन शासन का, जिसने जिसने जिन शासन को पाया, नीचे से लेकर ऊपर तक पाया, उनके लिए एक बात आएगी, ये जिन शासन प्राप्त करने के बाद, कल हमने सोचा विपत्ति, आज हम सोचेंगे संपत्ति। संस्कृत के शब्द है, विपत काल के अंदर दीन नहीं होना चाहिए तो संपत के काल में क्या करना चाहिए, विपत्ति अधीनता तो संपत्ति नमनशीलता। क्या बोला, संभव है, संपत्ति में नमनशीलता संभव है, अब अपन ने विषय छेड़ा पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। आपको सबको एक बार तो करवा दिया पाठ, फिर भी आपको याद तो होगा कि नहीं होगा, उस दिन मैंने व्याख्या ये की थी कि पाप का उदय हो और वापिस हम पाप कर्म करें तो हमारा पापानुबंधी पाप है, बरोबर। पुण्य का उदय है और हम पुण्य करें तो है पुण्यानुबंधी पुण्य। दो तो समझ में तुरंत आ जाएगा। अब दो ऐसी चीजें हैं कि पुण्यानुबंधी पाप है तो पाप, लेकिन पुण्य का अनुबंध करवाता है, वो कैसे होगा, पुण्यानुबंधी पाप, उदय पाप का, खाने की तकलीफ है, पीने की तकलीफ है, पहनने की तकलीफ है, कोई मानता नहीं, कोई सुनता नहीं, बहुत तकलीफें, तकलीफें ही तकलीफें, आदि व्याधि उपाधि दुख दारिद्र दौर्भाग्य मंदी मांगी मोंगवारी कोरोना जीएसटी ने नोटबंदी सब आ गया, तकलीफ ही तकलीफ, क्या करने का, पाप, पाप का उदय पक्की बात, लेकिन उस पाप के उदय में जैन होगा। जैन का जाति से नहीं कह रहा हूं, जो लौकिक नहीं होगा अलौकिक सोचेगा वह ऊपर उठेगा और पाप के उदय में भी पुण्य बांधेगा। अपनी सोच, अपने कर्म बंधन की नींव, अपने विचार अपने भविष्य का कारण, आज अपना नेचर कल अपना फ्यूचर, आज हम प्योर कल हम श्योर, पक्की बात है। आप लोग तो यूं यूं करते जाते हो ना, पेट्रोल पंप पे जाते हो ना तो छोटा सा स्लोगन लिखते, हम भी पढ़ते, आप भी पढ़ते हो, हम वहां से निकल जाते रोड पर से, लेकिन मैं देख लेता हूँ क्या लिखा है, प्योर फॉर श्योर, तो मुझे वहां से भी सीखने मिलता है, प्योर फॉर श्योर, तो आज प्योर तो कल श्योर, आज इम्प्योर तो कल इंश्योर, पक्की बात है, इसमें कोई फर्क है, एकदम पक्की बात है। तो पाप के उदय में पुण्य किसने किसने बांधा, मुझे एक आध घटना बताओ, उदय पाप का है और पुण्य बांधा, आप सभी कह दोगे एक मिनट में मैं बोलूंगा ने, बोलो शालीभद्र पूर्व में पाप के उदय में था कि नहीं था, मांग करके खीर बनाई है ना, लेकिन उस खीर के अंदर भी भाव क्या, कोई गुरु भगवंत आवे तो कह रहा हूं, उदय पाप का है। सात जने एक घर के अंदर अट्ठाई वाले थे, गुरु भगवंत को आग्रह हुआ कि सात सात अट्ठाई वाले आपको तो पगला करना पड़ेगा, और सूरी जी बाबूजी पधारे, लेकिन घर के अंदर सिवाय गुड़ का पानी कुछ भी नहीं था, बहराने योग्य, समझ गए, उदय पाप का था, भाव गुरु भगवंत के पगले। और इतनी घटना देखने मात्र से उस दिन के प्रवचन में 1 करोड़ का साधर्मिक भक्ति का फंड हुआ। पाप के उदय में भी भाव अच्छे है तो वो किसका नींव बन गया, पाली के अंदर एक परिवार है, जाके उनके घर पे साधु साधु जी की व्यावच के लिए क्या करते हैं, देखो जो भी चतुर्मास होता है
चाहे मूर्ति पूजक में हो, चाहे स्थानक में हो, पगला गुरु भगवान का करवाने के लिए जो स्थिति है घर की वही है, अभी तक पक्की फर्श लगी नहीं है, नहीं चाहते कि हमारे घर में टीवी आवे क्योंकि संस्कार बिगाड़ने उनको नहीं है, किसी प्रकार का फालतू खर्च नहीं है, फिर परिवार में 4 से 5 सदस्य है, सभी के सभी तेले कर देंगे, अठाई कर देंगे और गुरु भगवान के पगलिए का लाभ। वो समझते कि गुरु भगवान के पगलिए पड़े तो हमारा पुण्य का उदय है। और मैं उनको पूछता कि पुण्य का उदय आपकी जो सोच है तो कैसे काम क्या कर रहे हैं पता है? वो भाई नाम भी ज्ञानचंद जी है, काम कर रहे मात्र नामा लिखने का, और मन में मनोरथ करते हैं यहाँ लाभ लेना है वहाँ लाभ लेना है, मनोरथ करने चाहिए। अभी वे पाली के बाद आपने गौशाला सुनी होगी और कुछ सुना होगा, वे बकरा साला चला रहे हैं। अभी तो उस इलाके में मतलब के गायें, ऐसा समय था कि कई जगह बकरियां ही पाली जाती थी, जैनों के परिवार में भी बकरियां रहती थी, और ऐसे में दूसरे भी लोग जो हिंसा में नहीं मानते तो वो बकरे को कुछ निशानी करके छोड़ देते, ऐसे बकरे रात ही रात में आप सबको पता है कौन उठा के ले जाते हैं और उसका क्या होता है, तो ऐसे बकरों को अलग से रख करके वो अपनी जिंदगी शांति से जिए। लगभग 500 जितने बकरे भी उनके बकराशाला में, एक जीव दया का भाव। लेकिन ये भाव भी कैसे कि गुरु भगवान के पगली होंगे, और निश्चित रूप से जब भी गुरु भगवान मैं ऐसा लाभ लेता हूँ, मेरे को बहुत बड़ा नामे का काम मिल जाता है, एक साथ में 1,00,000 का ऑर्डर ने 1.5 लाख का ने ऐसे मिल जाता है और मैं उसका उपयोग इसमें करता हूँ, बोलो क्या उदय है पाप का, मतलब इस प्रकार है सामान्य स्थिति है, लेकिन लाभ आगे बंद, समझ में आया? पाप का उदय पाप करना पापानुबंधी पाप, पाप का उदय है और पुण्य करना ये पाप पुण्यानुबंधी पाप, पुण्य का उदय और पुण्य करना यह है पुण्यानुबंधी पुण्य। अब एक बाकी रह गया, पापानुबंधी पुण्य, समझ में आता है? भूल जाओगे, पापानुबंधी पाप समझ में आ गया, पुण्यानुबंधी पुण्य समझ में आ गया, पुण्यानुबंधी पाप भी समझ में आ गया, उदय पाप का है और अनुबंध पुण्य का हो रहा है, लेकिन पुण्य का उदय है और पाप का अनुबंध कर रहे हैं, उसमें आज की दुनिया के 80% लोग आ जाएं। उदय पुण्य का है, लक्ष्मी खूब मिली है, लेकिन तो कहा कि संपत्ति संपत्ति नमनशीलता, कैसा ही घरेलू एक ग्राम्य दृष्टांत दिया कि यथा यथा वृक्षाः फलन्ति तथा तथा वृक्षाः नमन्ति, समझ में आया? संस्कृत समझ आया? जैसे जैसे पेड़ पे फल लगते हैं वैसे वैसे पेड़ नीचे झुकते हैं। आपकी पुण्याय आपको प्राप्त लक्ष्मी, मैं नहीं कहता हूँ लक्ष्मी को महालक्ष्मी बनाने की बात मैं मेरे को नहीं आती, मैं पूछ रहा हूँ आपको मिली हुई लक्ष्मी यदि पुण्यानुबंधी पुण्य की है तो उसके लक्षण कौन से, और पुण्यानुबंधी पुण्य के नहीं है तो लक्षण कौन से, आपका जो अनुभव, मैं नहीं कहता हूँ आप किसी को लागू नहीं होगी बात, मैं जनरल जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, लक्ष्मी यदि पुण्यानुबंधी पुण्य की है तो लक्षण क्या, वापरने की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन में कुछ लक्षण की बात कर रहा हूँ। देखो खर्च करना नहीं करना, और कई बार कई जगह ऐसी होती है अपने को 7 बार सोचना पड़ता है पैसे लगाने के पहले, लेकिन हमारे जीवन में गुणात्मक रूप से क्वालिटी के रूप में लक्षण क्या, बिल्कुल पहली बात नम्रता आएगी, हमारी खानदानी दिखेगी, खानदानी दिखेगी शब्दों में दिखेगी, व्यवहार में दिखेगी, वर्तन में दिखेगी, तो खानदानी होना कोई ऐसी बात है कहीं कहनी है तो किसी प्रकार का किसी का भय नहीं लेके कहा निर्भीकता के साथ, ये नहीं कह रहा हूँ कि जगह जगह जाके झगड़ा करो आपके पास पैसे है तो नहीं, लेकिन निर्भीकता आप में पैदा होगी, अर्थात कभी धर्म का मामला है, कभी गुरु भगवंतों की निंदा का कारण है, कभी शासन की हिलना का अवसर है, उस समय आप नहीं सोचोगे, जरूर पड़ी पूरा अहमदाबाद मुस्लिम राज के अंदर पूरा अहमदाबाद सब, मतलब उस समय जैनपुरी नाम था, सब
पूरे अहमदाबाद को लूटने का इरादा, जैनपुरी को इरादा, जैनाबाद के जैनपुरी नाम था, इरादा लेकर के मुस्लिम सेना आई है। ऊपर से दिल्ली से ऑर्डर है, उस समय शेठ शांतिलाल पूरा बैलगाड़ा भर के जवाहरात लेके गए। जाता कुछ नहीं था, घर का नहीं जा रहा था, नगर का जा रहा था, वो सकता अपना घर बचा सकता था वो। लेकिन आज भी वो पीढ़ी दर पीढ़ी बात चल रही है कि ऐसे में अपनी संपत्ति लेकर के, यही चाहिए ना आपको, लूटने आए हो ना, पूरे नगर के जान माल दोनों की सुरक्षा परमात्मा किया, 400 जितने जिनालयों की सुरक्षा कर, किसी प्रकार का भय नहीं। निर्भीकता पैदा होती है, खानदानी पैदा होती है, पत्रिकता पैदा होती है, शालीनता स्वभाव में होती है, उदारता अवसर पर होती है, ये सब गुण किसके। अब इसके विपरीत क्या क्या होता है आप मुझे कहोगे, चिंतन करके कहोगे, जो कल अपन थोड़ा शांति सोचेंगे। यदि हमारी लक्ष्मी पुण्यानुबंधी पुण्य की नहीं है, अथवा उसके बीच में भी कई बार होता है ना, गेहूँ अच्छे कंकर आ गए, बादाम 500 रुपये किलो के लिए, लेकिन कोई कड़वी आ गई, तो ऐसी कुछ कड़वा हटे हमारे जीवन में है कि नहीं, इसके लिए किसी ज्योतिष को हाथ बताना नहीं है, इसलिए किसी गुरु भगवंत को अपना भविष्य पूछना नहीं है। कुछ बातें बोलो, किसको पता लगेगी। यदि हम बुद्धिमान हैं, हम समझदार हैं, तो ही धर्म करने की योग्य है, वरना नहीं है। क्योंकि धर्म है ना, ये कोई सामान्य बात नहीं है, जिसको समझना है। बाबूजी साहब आप स्टोरी सुनाते हो तब अच्छा लगता है, और आप फिलोसफी की बातें करते हो थोड़ी सी ऊपर से जाती है, तो ऊपर से जाएगी ना, तो ऊपर से जाएगी, हम कभी ऊपर ही नहीं उठेंगे। सूक्ष्म बातें जिनको समझ में आती है वही धर्म के योग्य है। और परमात्मा भी पहली देशना निष्फल गई, उसका कारण ही समझे ही नहीं तो स्वीकार कैसे करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे तो संयम कैसे लेंगे। किसी ने व्रत नहीं लिया, सुनने वाले थे, भगवान महावीर स्वामी की पहली देशना में भी लोग थे, बाइयाँ थी, पुरुष थे, सब थे, लेकिन इतनी गहरी समझ वाले लोग उस जंगल में नहीं थे जो कि व्रत स्वीकार कर सके, संयम स्वीकार कर सके। उस अपेक्षा परमात्मा की देशना निष्फल गई। तो ज्ञानस्य फलम विदति, ज्ञान आपके पास होगा तो त्याग के परिणाम जगेंगे। त्याग का अर्थ ये नहीं कि दीक्षा ही ले लो, ज्ञान आपके पास होगा, समझ आपके पास होगी, तो आप अवगुण का त्याग करोगे, आप दोषों का त्याग करोगे, आप खराबियों का त्याग करोगे, आप कुसंस्कारों का त्याग करोगे, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी। और यही है जिन शासन का परिचय, जिसको परिचय जग गया है उसके जीवन में प्रेम आए बिना रहता नहीं। जिसकी वापिस कल कहूँगा कि जिसके जीवन में प्रेम आवे वो प्रयास किए बिना रहता नहीं, और जो प्रयास करता है आज नहीं तो कल उसके जीवन में पात्रता आए बिना रहेगी नहीं। और जिसके जीवन में पात्रता आई फिर क्या होता है, आपने जहाँ भी पैसे लगाए आपको लगा कि नहीं ये जगह सही है तो आपने पात्र लगाए, आपने अपना मन वहाँ लगाया कि लगा कि नहीं ये गुरु सही है, आपने अपनी भक्ति वहाँ की लगे कि नहीं ये स्थान सही है, तो ये है प्रयास के बाद पात्रता आती है, आज नहीं तो कल आती है। और पात्रता होगी तो सामने से उस पात्र को महापुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा भरना शुरू हो जाएगा। परमात्मा महावीर की आत्मा जंगल में है, पटवारी जैसा उनका ड्यूटी है, लकड़ियां कटवा रहे हैं, परमात्मा की उस भव की गिनती में साधु भगवंत रास्ता भूल कर के आए। उस समय जैनत्व नहीं है परंतु हाथ जुड़ गए, क्यों कि कोई संत आए मेरे आंगन में पधारे हैं, हाथ जुड़े हैं। और उसके साथ हम यदि अवसरज्ञ हैं, हमारे भीतर की उदारता है, तो दूसरी बात है कि समय कौन सा चल रहा है। दोपहर के टाइम में कोई आवे, भोजन के समय कोई आवे और आप पानी पिलाने रवाना करो, आधा घंटा उसको बिठाओ, पंखा भी चालू कर दो, बातें भी शुरू कर दो, और उसके बाद मुखवास लेकर के उनको के मुखवास दे दो, क्या समझ जाएगा हमें सर्वमंगल हो गयो, मंगलिक तो होनो बाकी और सर्वमंगल हो गयो, समझ में आ जाएगी बात। तो के अवसर अग्नि होते हैं, प्रभु महावीर की आत्मा उस समय जैनत्व में नहीं है,
कोई गुरु से जुड़ी नहीं, लेकिन इतना कि ही अवसर है भोजन का, विनंती की गुरु भगवंतों को आप क्यों आए यहाँ, रास्ता भूल गए, जंगल में आप भी क्या घूमने निकले हो, हाँ कोई बात, अवसरज्ञ उनको शाता मिले ऐसे पेड़ के नीचे बिठाया, अपना भोजन तैयारी है, उनको वहराया, आराम फरमाने का बोला। गुरु भगवान अभी धूप में तो नहीं जाओगे, अब उनकी इच्छा होती तो साथ में जाते, लेकिन उस समय विहार ग्रुप में कोई भगवान महावीर की आत्मा जुड़ी हुई नहीं थी, परंतु एक संत पधारे हैं तो उनके साथ का ऐसा व्यवहार, नमनशीलता आई, व्यवहारिकता आई, उदारता आई, भोजन में दान की वृत्ति आई, और उसके बाद उनको रास्ता दिखाने के लिए नैसार साथ में गया। गुरु भगवान से संपर्क तो होता है, लेकिन उसके बाद फिर हमारी जिम्मेवारी पूरी हो गई। यदि नैसार ने भगवान की भाव पूर्व पहले भाव में नैसार ने यदि मुनि भगवंत को रास्ता नहीं बताया होता तो उसकी पात्रता का पता नहीं लगता, उसकी पात्रता का पता लगा, इसलिए रास्ता दिखाने के बाद मुनि भगवंत से कितनी ऊंची आत्मा है, जैन नहीं है, हमारा कोई परिचय नहीं है, ये अपने जंगल में काम करता था, फिर भी कितनी ऊंचा उदारता है, दान दिया, रास्ता बताया, अपना समय दिया और यहाँ तक आया, हम भी इसको रास्ता बतावे। पात्रता आप में कुछ न कुछ प्राप्त करवा तक रहेगी, क्या बोला मैंने, प्राप्त पात्रता यदि आप में है तो आप कुछ न कुछ प्राप्त करोगे, कुछ नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा, परमात्मा के आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद, और यदि आपने किसी को सहायता की, निस्वार्थ सहायता की, दुआ मिलेगी नहीं मिलेगी, दो शब्द अच्छा बोलेगा कि नहीं बोलेगा, और यही चीज समझ में नहीं आएगी तो आगे कल्याण नहीं है। पात्रता प्राप्ति की ओर ले जाती है, जिन आज्ञा विरुद्ध बोला हो तो इच्छामि रुक्मिणः। टाइम तो होता है, रोज आप आते हैं। उदय हो और वापिस हम पाप कर्म करें तो हमारा पापानुबंधी पाप है, बरोबर। पुण्य का उदय है और हम पुण्य करें तो है पुण्यानुबंधी पुण्य, दो तो समझ में तुरंत आ जाएगा। अब दो ऐसी चीजें हैं कि पुण्यानुबंधी पाप है तो पाप, लेकिन पुण्य का अनुबंध करवाता है, वो कैसे होगा, पुण्यानुबंधी पाप, उदय पाप का, खाने की तकलीफ है, पीने की तकलीफ है, पहनने की तकलीफ है, कोई मानता नहीं, कोई सुनता नहीं, बहुत तकलीफें, तकलीफें ही तकलीफें, आदि व्याधि उपाधि दुख दारिद्र दौर्भाग्य मंदी मांगी मोंगवारी कोरोना जीएसटी ने नोटबंदी सब आ गया, तकलीफ ही तकलीफ, क्या करने का, पाप पाप का उदय पक्की बात, लेकिन उस पाप के उदय में जैन होगा, जैन का जाति से नहीं कह रहा हूँ, जो लौकिक नहीं होगा अलौकिक सोचेगा वह ऊपर उठेगा और पाप के उदय में भी पुण्य बांधेगा, अपनी सोच अपने कर्म बंधन की नींव, अपने विचार अपने भविष्य का कारण, आज अपना नेचर कल अपना फ्यूचर, आज हम प्योर कल हम श्योर, पक्की बात है। आप लोग तो यूं यूं करते जाते हो ना, पेट्रोल पंप पे जाते हो ना तो छोटा सा स्लोगन लिखते हैं, हम भी पढ़ते हैं आप भी पढ़ते हो, हम वहाँ से निकल जाते हैं रोड पर से, लेकिन मैं देख लेता हूँ क्या लिखा है, प्योर फॉर श्योर, तो मुझे वहाँ से भी सीखने मिलता है, प्योर फॉर श्योर, तो आज प्योर तो कल श्योर, आज इम्प्योर तो कल इनश्योर, पक्की बात है, इसमें कोई फर्क है, एकदम पक्की बात है। तो पाप के उदय में पुण्य किसने किसने बांधा, अब मुझे एक आध घटना बताओ, उदय पाप का है और पुण्य बांधा, आप सभी कह दोगे एक मिनट में मैं बोलूंगा ने, बोलो शालिभद्र पूर्व में पाप के उदय में था कि नहीं था, मांग करके खीर बनाई है ना, लेकिन उस खीर के अंदर भी भाव क्या, कोई गुरु भगवंत आवे तो कह रहा हूं, उदय पाप का है। सात जने एक घर के अंदर अट्ठाई वाले थे,
गुरु भगवंत को आग्रह हुआ कि साथ साथ अठाई वाले आपको तो पगला करना पड़ेगा और सूर्य जी बाबा जी पधारे, लेकिन घर के अंदर सिवाय गुड़ का पानी कुछ भी नहीं था। बहराने योगी समझ गए उदय पाप का था भाव गुरु भगवंत के पगले। और इतनी घटना देखने मात्र से उस दिन के प्रवचन में 1 करोड़ का साधर्मिक भक्ति का फंड हुआ। बाप के उदय में भी भाव अच्छे हैं तो वो किसका नींव बन गया? पाली के अंदर एक परिवार है, जाके उनके घर पे साधु साधी जी की व्यावच के लिए क्या करते हैं देखो, जो भी चतुर्मास होता है चाहे मूर्ति पूजक में हो चाहे सानक में हो, पगला गुरु भगवंत का करवाने के लिए जो स्थिति है घर की वही है, अभी तक पक्की फर्श लगी नहीं है, नहीं चाहते कि हमारे घर में टीवी आवे क्योंकि संस्कार बिगाड़ने उनको नहीं है, किसी प्रकार का फालतू खर्च नहीं है। फिर परिवार में 4 से 5 सदस्य है, सभी के सभी तेले कर देंगे, अठाई कर देंगे और गुरु भगवान के पगलिए का लाभ। वो समझते कि गुरु भगवान के पगलिए पड़े तो हमारा पुण्य का उदय है। और मैं उनको पूछता कि पुण्य का उदय आपकी जो सोच है तो कैसे काम क्या कर रहे हैं पता है? वो भाई नाम भी ज्ञानचंद जी है, काम कर रहे मात्र नामा लिखने का, और मन में मनोरथ करते हैं यहाँ लाभ लेना है वहाँ लाभ लेना है, मनोरथ करने चाहिए। अभी वे पाली के बाद आपने गौशाला सुनी होगी और कुछ सुना होगा, वे बकरा साला चला रहे। अभी तो उस इलाके में मतलब के गाय, ऐसा समय था कि कई जगह बकरियां ही पाली जाती थी, जैनों के परिवार में भी बकरियां रहती थी, और ऐसे में दूसरे भी लोग जो हिंसा में नहीं मानते तो वो बकरे को कुछ निशानी करके छोड़ देते, ऐसे बकरे रात ही रात में आप सबको पता है कौन उठा के ले जाते हैं और उसका क्या होता है, तो ऐसे बकरों को अलग से रख करके वो अपनी जिंदगी शांति से जिए। लगभग 500 जितने बकरे भी उनके बकराशाला में, एक जीव दया का भाव। लेकिन ये भाव भी कैसे कि गुरु भगवंत के पगली होंगे और निश्चित रूप से जब भी गुरु भगवंत मैं ऐसा लाभ लेता हूँ मेरे को बहुत बड़ा नामे का काम मिल जाता है, एक साथ में 1 लाख का ऑर्डर ने 1.5 लाख का ने ऐसे मिल जाता है और मैं उसका उपयोग इसमें करता हूँ। बोलो क्या उदय है पाप का, मतलब इस प्रकार है सामान्य स्थिति है लेकिन लाभ आगे बंद, समझ में आया? पाप का उदय पाप करना पापानुबंधी पाप, पाप का उदय है और पुण्य करना ये पाप पुण्यानुबंधी पाप, पुण्य का उदय और पुण्य करना यह है पुण्यानुबंधी पुण्य। अब एक बाकी रह गया पापानुबंधी पुण्य, समझ में आता है? भूल जाओगे, पापानुबंधी पाप समझ में आ गया, पुण्यानुबंधी पुण्य समझ में आ गया, पुण्यानुबंधी पाप भी समझ में आ गया, उदय पाप का है और अनुबंध पुण्य का हो रहा है, लेकिन पुण्य का उदय है और पाप का अनुबंध कर रहे हैं उसमें आज की दुनिया के 80% लोग आ जाए। उदय पुण्य का है, लक्ष्मी खूब मिली है, लेकिन तो कहा कि संपत्ति नमनशीलता, कैसा ही घरेलू एक ग्राम्य दृष्टांत दिया कि यथा यथा वृक्षाः फलन्ति तथा तथा वृक्षाः नमन्ति, समझ में आया? संस्कृत समझ आया? जैसे जैसे पेड़ पे फल लगते हैं वैसे वैसे पेड़ नीचे झुकते हैं। आपकी पुण्याई आपको प्राप्त लक्ष्मी, मैं नहीं कहता हूँ लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी बनाने की बात में मेरे को नहीं आती, मैं पूछ रहा हूँ आपको मिली हुई लक्ष्मी यदि पुण्यानुबंधी पुण्य की है तो उसके लक्षण कौन से, और पुण्यानुबंधी पुण्य की नहीं है तो लक्षण कौन से आपका जो अनुभव, मैं नहीं कहता हूँ आप किसी को लागू नहीं होगी बात, मैं जनरल जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, लक्ष्मी यदि पुण्यानुबंधी पुण्य की है तो लक्षण क्या, वापरने की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन में कुछ लक्षण की बात कर रहा हूँ। देखो खर्च करना नहीं करना, और कई बार कई जगह ऐसी होती है अपने को 7 बार सोचना पड़ता है पैसे लगाने के पहले, लेकिन हमारे जीवन में गुणात्मक रूप से क्वालिटी के रूप में लक्षण क्या, बिल्कुल पहली बात नम्रता आएगी, हमारी खानदानी दिखेगी, खानदानी
दिखेगी, शब्दों में दिखेगी, व्यवहार में दिखेगी, वर्तन में दिखेगी। तो खानदानी होना कोई ऐसी बात है, कहीं कहनी है तो किसी प्रकार का किसी का भय नहीं लेके कहा निर्भीकता के साथ। ये नहीं कह रहा हूँ कि जगह जगह जाके झगड़ा करो, आपके पास पैसे है तो नहीं, लेकिन निर्भीकता आप में पैदा होगी। अर्थात कभी धर्म का मामला है, कभी गुरु भगवंतों की निंदा का कारण है, कभी शासन की हिलना का अवसर है, उस समय आप नहीं सोचोगे। जरूर पड़ी, पूरा अहमदाबाद मुस्लिम राज के अंदर पूरा अहमदाबाद सब, मतलब उस समय जैनपुरी नाम था, सब पूरे अहमदाबाद को लूटने का इरादा, जैनपुरी को इरादा, जैनाबाद के जैनपुरी नाम था, इरादा लेकर के मुस्लिम सेना आई है। ऊपर से दिल्ली से ऑर्डर है, उस समय शेठ शांतिलाल पूरा बैलगाड़ा भर के जवाहरात लेके गए। जाता कुछ नहीं था, घर का नहीं जा रहा था, नगर का जा रहा था, हो सकता था अपना घर बचा सकता था वो। लेकिन आज भी वो पीढ़ी दर पीढ़ी बात चल रही है कि ऐसे में अपनी संपत्ति लेकर के, यही चाहिए ना आपको, लूटने आई हो ना, पूरे नगर के जान माल दोनों की सुरक्षा परमात्मा किया, 400 जितने जिनालयों की सुरक्षा कर, किसी प्रकार का भय नहीं। निर्भीकता पैदा होती है, खानदानी पैदा होती है, भद्रिकता पैदा होती है, शालीनता स्वभाव में होती है, उदारता अवसर पर होती है। ये सब गुण किसके, अब इसके विपरीत क्या क्या होता है आप मुझे कहोगे, चिंतन करके कहोगे, तो कल अपन थोड़ा शांति सोचेंगे। यदि हमारी लक्ष्मी पुण्यानुबंधी पुण्य की नहीं है, अथवा उसके बीच में भी कई बार होता है ना, गेहूँ अच्छे कंकर आ गए, बादाम 500 रुपये किलो के लिए लेकिन कोई कड़वी आ गई, तो ऐसी कुछ कड़वा हटे हमारे जीवन में है कि नहीं, इसके लिए किसी ज्योतिष को हाथ बताना नहीं है, इसलिए किसी गुरु भगवंत को अपना भविष्य पूछना नहीं है। कुछ बातें बोलो, किसको पता लगेगी? यदि हम बुद्धिमान हैं, हम समझदार हैं, तो ही धर्म करने की योग्य है, वरना नहीं है। क्योंकि धर्म है ना, ये कोई सामान्य बात नहीं है, जिसको समझना है। बाबूजी साहब आप स्टोरी सुनाते हो तब अच्छा लगता है, और आप फिलोसफी की बातें करते हो थोड़ी सी ऊपर से जाती है, तो ऊपर से जाएगी ना, तो ऊपर से जाएगी, हम कभी ऊपर ही नहीं उठेंगे। सूक्ष्म बातें जिनको समझ में आती है वही धर्म के योग्य है। और परमात्मा भी पहली देशना निष्फल गई, उसका कारण ही समझे ही नहीं तो स्वीकार कैसे करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे तो संयम कैसे लेंगे। किसी ने व्रत नहीं लिया, सुनने वाले थे, भगवान महावीर स्वामी की पहली देशना में भी लोग थे, बाइयाँ थी, पुरुष थे, सब थे, लेकिन इतनी गहरी समझ वाले लोग उस जंगल में नहीं थे जो कि व्रत स्वीकार कर सके, संयम स्वीकार कर सके। उस अपेक्षा परमात्मा की देशना निष्फल गई। तो ज्ञानस्य फलम विदति, ज्ञान आपके पास होगा तो त्याग के परिणाम जगेंगे। त्याग का अर्थ ये नहीं कि दीक्षा ही ले लो, ज्ञान आपके पास होगा, समझ आपके पास होगी तो आप अवगुण का त्याग करोगे, आप दोषों का त्याग करोगे, आप खराबियों का त्याग करोगे, आप कुसंस्कारों का त्याग करोगे। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी, और यही है जिन शासन का परिचय। जिसको परिचय जग गया है उसके जीवन में प्रेम आए बिना रहता नहीं। जिसकी वापिस कल कहूँगा कि जिसके जीवन में प्रेम आवे वो प्रयास किए बिना रहता नहीं, और जो प्रयास करता है आज नहीं तो कल उसके जीवन में पात्रता आए बिना रहेगी नहीं। और जिसके जीवन में पात्रता आई फिर क्या होता है, आपने जहाँ भी पैसे लगाए आपको लगा कि नहीं ये जगह सही है तो आपने पात्र लगाए, आपने अपना मन वहाँ लगाया कि लगा कि नहीं ये गुरु सही है, आपने अपनी भक्ति वहाँ की लगे कि नहीं ये स्थान सही है, तो ये है प्रयास के बाद पात्रता आती है, आज नहीं तो कल आती है। और पात्रता होगी तो सामने से उस पात्र को महापुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा भरना शुरू हो जाएगा। परमात्मा महावीर की आत्मा जंगल में है, पटवारी जैसा उनका ड्यूटी है, लकड़ियां कटवा रहे हैं, परमात्मा की उस भव की गिनती में साधु भगवंत रास्ता भूल कर के आए हैं। उस समय जैनत्व नहीं है परंतु हाथ जुड़ गए, क्यों कि कोई संत आए मेरे आंगन में पधारे हैं, हाथ जुड़े हैं, और उसके साथ
हम यदि अवसरज्ञ हैं, हमारे भीतर यदि उदारता है, तो दूसरी बात है कि समय कौन सा चल रहा है। दोपहर के टाइम में कोई आवे, भोजन के समय कोई आवे और आप पानी पी लेने रवाना करो, आधा घंटा उसको बिठाओ, पंखा भी चालू कर दो, बातें भी शुरू कर दो और उसके बाद मुखवास लेकर के उनको के मुखवास दे दो, क्या समझ जाएगा हमें सर्व मंगल हो गयो, मांगलिक तो होना बाकी और सर्व मंगल हो गयो, समझ में आ जाएगी बात। तो के अवसरज्ञ होते हैं, प्रभु महावीर की आत्मा उस समय जैनत्व में नहीं है, कोई गुरु से जुड़ी नहीं, लेकिन इतना कि ही अवसर है भोजन का, विनंती की गुरु भगवंतों को, आप क्यों आए यहाँ, रास्ता भूल गए, जंगल में आप भी क्या घूमने निकले हो, कोई बात। अवसरज्ञ उनको शाता मिले ऐसे पेड़ के नीचे बिठाया, अपना भोजन तैयारी है, उनको वहराया, आराम फरमाने का बोला। गुरु भगवान अभी धूप में तो नहीं जाओगे, अब उनकी इच्छा होती तो साथ में जाते, लेकिन उस समय विहार ग्रुप में कोई भगवान महावीर की आत्मा जुड़ी हुई नहीं थी, परंतु एक संत पधारे हैं तो उनके साथ का ऐसा व्यवहार, नमनशीलता आई, व्यावहारिकता आई, उदारता आई, भोजन में दान की वृत्ति आई और उसके बाद उनको रास्ता दिखाने के लिए नैसार साथ में गया। गुरु भगवान से संपर्क तो होता है, लेकिन उसके बाद फिर हमारी जिम्मेवारी पूरी हो गई। यदि नैसार ने भगवान की भाव पूर्व पहले भाव में नैसार ने यदि मुनि भगवंत को रास्ता नहीं बताया होता तो उसकी पात्रता का पता नहीं लगता, उसकी पात्रता का पता लगा, इसलिए रास्ता दिखाने के बाद मुनि भगवंत से कितनी ऊंची आत्मा है, जैन नहीं है, हमारा कोई परिचय नहीं है, ये अपने जंगल में काम करता था, फिर भी कितनी ऊंचा उदारता है, दान दिया, रास्ता बताया, अपना समय दिया और यहाँ तक आया, हम भी इसको रास्ता बतावे। पात्रता आप में कुछ न कुछ प्राप्त करवा तक रहेगी, क्या बोला मैंने, प्राप्त पात्रता यदि आप में है तो आप कुछ न कुछ प्राप्त करोगे, कुछ नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा, परमात्मा के आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद, और यदि आपने किसी को सहायता की, निस्वार्थ सहायता की, दुआ मिलेगी नहीं मिलेगी, दो शब्द अच्छा बोलेगा कि नहीं बोलेगा, और यही चीज समझ में नहीं आएगी तो आगे कल्याण नहीं है। पात्रता प्राप्ति की ओर ले जाती है, जिन आज्ञा विरुद्ध बोला हो तो मिच्छा में ही रुक करो। टाइम तो होता है, रोज आप आते हैं।